हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राजपूत डायनेस्टीज के साथ। तो देखिए, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने साउथ इंडियन डायनेस्टीज में जो भी मेन डायनेस्टीज आती हैं, जैसे राष्ट्रकूट हो गए, पल्लव हो गए, चालुक्यास हो गए, तो ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज है वो कम्प्लीट हो चुका है टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे राजपूत डायनेस्टीज के साथ में। तो इसमें भी 6-7 डायनेस्टीज आती हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम इसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बस वीडियो के साथ साथ में ही अपना पेपर पेन लेकर नोट्स बनाते रहें। फाइन, आज हम जो इकलौती डायनेस्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी। अब देखिए, राजपूतों के अंडर भी काफ़ी डायनेस्टीज आती हैं, चौहान्स आते हैं, गढ़वाल रूलर्स आते हैं, बट एक वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक डायनेस्टी को ही कवर करेंगे, राइट। तो चलिए, आज का क्या टॉपिक है वो तो आप समझ ही गए हैं। राजपूत डायनेस्टी के अंडर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है फाउंडर, कि फाउंडर कौन है इस डायनेस्टी के, ठीक है। तो वो है हरिचंद्र, जो कि ब्राह्मण थे और जोधपुर राजस्थान में इन्होंने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, यही अपना किंगडम जो है वो सेटअप किया था। नाउ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट खजुराहो फेमस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुर्जर प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। अब यूनेस्को क्या है, कुछ आपको कहते हैं ना कि टाइटल्स देता है, स्टेटस प्रोवाइड करवाता है, तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है खजुराहो टेम्पल, आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में है। सो इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। नाउ ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डायनेस्टी के रूलर्स थे ना, इनके जो टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा फेमस है, तो बस उसी के विकास के लिए ये फेमस हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज यहां से बनती है कि खजुराहो टेम्पल कंस्ट्रक्शन किसने करवाई, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स ने, राइट। तो ये क्वेश्चन भी यहां से बनता है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट आता है नागा भट्टा फर्स्ट। अब देखिए, इसमें जो भी चलेगा ना, टू द पॉइंट होगा कि किसने क्या किया, कोई फेमस चीज एंड दैट्स इट। क्योंकि आपको पता ही है, जो साउथ इंडिया की और ये जो सेंट्रल इंडिया की डायनेस्टीज आती हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। तो चलिए, नागा भट्टा वन की बात करें, ध्रुवा द राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड हम। राष्ट्रकूट रूलर्स के बारे में तो हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, तो वहां के जो शासक थे ध्रुव, उन्होंने नागा भट्ट फर्स्ट को हराया था, ठीक है। सेकेंड आता है वत्स राजा। वत्स राजा ने क्या किया, एक्सपेंडेड हिज रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो उत्तरी भारत है उसके काफी ज्यादा एरिया को अपने अंडर लाए थे, ठीक है। कैपिटल क्या रखी थी वत्स राज ने, कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे आता है, वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। तो नागा भट्ट फर्स्ट हमने पढ़े, फाउंडर हमने पढ़े, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो के बारे में पढ़ा, वत्स राज के बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे नागा भट्टा सेकंड के बारे में। सो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नागा भट्ट सेकंड की बात करें, सो ही वॉज डिफीटेड बाय गोविंद थ्री, राष्ट्रकूट किंग, राष्ट्रकूटों के एक शासक थे गोविंद थ्री, तो उन्होंने नागा भट्ट सेकंड को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट रूलर जो आते हैं वो है मिहिर भोज। अब मिहिर भोज के बारे में पढ़ते हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी द पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहार्स, जो प्रतिहार शासक थे, यानी जिनकी हम बात कर रहे हैं प्रतिहार, ये हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, इसके एक फेमस शासक माने जाते हैं मिहिर भोज। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, इसके फॉलो करते थे, एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ आदि वराह, आदि वराह का टाइटल इन्होंने लिया था। नाउ अकॉर्डिंग टू अरब ट्रेवलर्स, प्रतिहार्स बेस्ट कैवलरी। अब जो अरब ट्रेवलर्स यहाँ पे आए, उनके हिसाब से जो प्रतिहार्स थे, इनके पास जो ये कैवलरी, आप समझते हैं जो घोड़ों की सेना होती है, काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। टाइटल इन्होंने एक और लिया था, किंग बोरा, बाय एन अरब ट्रेवलर नेम्ड अल मसूदी, राइट। अल मसूदी थे एक अरब ट्रेवलर, उन्होंने टाइटल दिया था किंग बोरा का मिहिर भोज को। कैपिटल की बात करें तो इनकी कैपिटल थी कन्नौज, ऑल्सो कॉल्ड महोदया, राइट। तो देखिए, वन लाइनर इसमें से बनते हैं, बहुत डेप्थ में स्टडी करने का कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि इन टॉपिक में से मुश्किल से हार्डली आपको एक आधा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो नहीं भी करते ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा पढ़ने से बेटर है ना। जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ा होल्ड अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं, परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फाइन, अब हम पढ़ेंगे महेंद्र पाल के बारे में। सो जो महेंद्र पाल थे, ही अडॉप्टेड द टाइटल महाराजा धीराज ऑफ आर्यव्रत, इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया महाराजा धीराज ऑफ आर्यव्रत, जिसका मतलब क्या है,
ग्रेटेस्ट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में मतलब शासकों के शासक, बहुत ज्यादा पावरफुल है ना इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है महिपाल फर्स्ट, डाउनफॉल स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज रियान। अब जो ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था महिपाल वन के टाइम में। फिर हम पढ़ते हैं यशोपाल के बारे में, यशपाल के बारे में, द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, किसने कौन सा टाइटल लिया, कैपिटल कहाँ थी, किसने चेंज की, खजुराहो टेंपल, ये थोड़े से पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आप अपने नोट्स वीडियो के साथ साथ में मेंटेन कर सकते हैं। देखिए एक ही पेज का टॉपिक है तो वीडियो भी खास लंबा नहीं था, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इन केस आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। एंड आगे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड करती हूँ, तो 15 से 20 या समटाइम्स 22 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, और इतनी ही 18 20 25 मिनट की वीडियो होती है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, डेली वीडियोस बनाती हूँ, डेली नोट्स बना के वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, मेरी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, राजपूत डायनेस्टी की पहली वाली डायनेस्टी हमने कवर कर ली है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और राजपूत डायनेस्टी की ही सेकेंड डायनेस्टी जो राजपूतों के अंडर आती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।